जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षी क्लासेस पर। यहाँ पर जितने भी आपके यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में यूजी वाले बच्चे हैं, जिनका बीए है, पहले मैं बता दे रही हूँ जिनका जिनका सब्जेक्ट है, तो वही इस वीडियो को देखें क्योंकि इसमें उन्हीं के कट ऑफ को बताया जाएगा कि 2023 में कितना जा सकता है। और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी क्या प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था, तो उसको आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। इसलिए मैंने जो है तुरंत वेबसाइट से ही ओपन करके मैं आपको इसको दिखाऊंगी और उसके बाद हम लोग उसके आधार पर बताएंगे कितना जो है आपका इस साल का कट ऑफ जा सकता है थ्रू एनालिसिस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले सबसे पहला काम ये करिए कि आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर जो बात है कि जितने भी बच्चे या तो बीए में हैं, पहले मैं आपको बता देती हूँ किन किन बच्चों के लिए है। या तो आपका बीए हो या तो आपका बीएससी हो, तब इसके साथ बीकॉम, बीएससी बायो और बीए एलएलबी, ये जो चार पांच आपके कोर्सेज हैं यूजी के, इनकी आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि उनके जो है प्रीवियस ईयर 2022 का कट ऑफ कितना गया है और इसके साथ ही जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना इस बार 2023 में जा सकता है। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप सबको दिख रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आप इसको जाकर के खुद से भी गूगल करके देख सकते हैं सारी चीज़ों को, ये आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। इसके बाद हम ठीक इस वेबसाइट को स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सारे सेक्शंस हैं, जैसे जब आप लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक पोर्टल है। इस पोर्टल में एडमिशन वेब मेल अलग अलग है, तो ये जो एडमिशन वाला पोर्टल है आपको इसी को क्लिक करना है, ये आपका जो है एडमिशन के बारे में बताएगा। तो ये देखिए एडमिशन पोर्टल ओपन हो गया है। ये मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि ताकि आप भी खुद से देख सकें। अगर बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जिनका बीए बीएससी बीकॉम के अलावा कोई और भी सब्जेक्ट है, तो वो भी इसको इसी प्रकार से अपने दोस्तों की भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक, आप भी लोगों के लिए पोर्टल बनाया जाता है। अब इसमें देखिए अलग अलग चीज़ें इसमें दी हुई हैं, लिंक है ऑनलाइन कैसे कैसे। अब ये देखिए इसमें हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए CUET UG काउंसलिंग 2022 की ये नोटिस है, और 2022 में जितनी जितनी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, मतलब कि आपके कितना कट ऑफ गया है, फाइनल कट ऑफ कितना गया, लास्ट जो है आपका राउंड तक कितना गया है, अलग अलग सब्जेक्ट की यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग इसमें बीए बीएससी बीकॉम बीएससी बायो और बीए एलएलबी के बच्चों का यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो हम देखते हैं बीए का। तो जो पहला वाला है मैंने इसको पहले ही ओपन किया हुआ था, बट ये जो है उसमें आपका फर्स्ट उसका राउंड का नहीं है, तो हम इसके लिए जो बीए का है आपका, इसके लिए ये वाले इसको हम ओपन करेंगे। तो ये देखिए, ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बीए काउंसलिंग स्केड्यूल 2022-23। मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है आपको कि जैसे ही ये लोग पोर्टल बनाएंगे 10 तारीख के बाद से ये प्रक्रिया तेज़ हो जाएगी काउंसलिंग की सब जगह से। ठीक, तो ये जो अपना खुद का एक पोर्टल देंगे, उस पोर्टल पे आपको सारी जानकारी जो है आपसे उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये तो बात की बात है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे OBC कैटेगरी के लिए 421 नंबर गया था, EWS के 375 और SC के लिए 101। तो अगर हम इस बार बात करें कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, जनरल कैटेगरी में हैं, तो आप मान के चलिए 400 प्लस नंबर आपका होना चाहिए, 450 नंबर से ऊपर। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में इस बार आपको चाहिए 400 से ऊपर नंबर। ठीक है, 400 से ऊपर नंबर होगा। ये मैं मेन कैंपस के लिए बता रही हूँ। अगर आपका इतना मार्क्स है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मेन कैंपस मिल जाएगा 95% तक। ठीक, अब देखिए जो 5% है उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है, वो इसलिए क्योंकि उसमें 4-5 नंबर का इधर उधर होता ही होता है। बट हाँ, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं कि मेन कैंपस आपको मिल जाएगा। EWS की बात करें तो 390 नंबर से ऊपर अगर आपका है और आप EWS में हैं, बीए के लिए चाहते हैं, तो आप मेन कैंपस मिल जाएगा। SC की बात करें तो 150 नंबर, SC के लिए 150 नंबर से ऊपर चाहिए अगर आपको मेन कैंपस चाहिए तो। ठीक, तो मैं इसी तरीके से आपको बता दे रही हूँ कि जनरल 450 प्लस हो जाएगा, OBC के लिए 400 प्लस, EWS 390 प्लस और SC के लिए 150 प्लस अगर है, तब आपको मेन कैंपस फिक्स्ड है। इससे थोड़े कम पे भी कट ऑफ जा सकते हैं और इससे थोड़ा सा हाई जाना मुश्किल है क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको देख करके ही सेट किया है जो आपको बता रही हूँ। बट हाँ, अगर इसका 1-2-3 नंबर अगर किसी का पीछे भी है तो भी उसका चांस है मेन कैंपस में होने का। ठीक, तो ये आपके बीए के लिए था। अब हम चलते हैं दूसरे के लिए। तो देखिए, हाँ, तो ये मैंने ओपन कर दिया है, ये आप देख सकते हैं, ये बीएससी मैथ का है, बिल्कुल वैसे ही मैंने ओपन किया है, वो आपका बैक में चला गया था। तो बीएससी मैथ का जो है ये आपका, अब इस बार देखिए आपका अनरिजर्व जो कैटेगरी है मतलब जनरल है, उसका 511 था पहले,
EWS में 446 मार्क्स से ऊपर, OBC में 448 और उससे ऊपर मार्क्स, और SC के 307 नंबर। इस बार जो आपका बन रहा है वो आपका बनेगा जो है, अगर हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करते हैं कि भाई जो जनरल वाले हैं तो जनरल में आपका ये 520 नंबर के ऊपर, अगर आपका 520 मार्क्स से ऊपर है तब तो आप मानिए कि आपका जो है मेन कैंपस जनरल के केस में आपका फुलफिल है। EWS अगर आप लगाए हुए हैं तो आपका 450 नंबर से ऊपर चाहिए, 450 नंबर या उसके ऊपर है तो EWS में। OBC की बात करें तो 470 से 80 के ऊपर, जी हाँ 470 से 80 के ऊपर होगा अगर आपका, तो ये आपका OBC में हो जाएगा। और SC के लिए 350 का मार्जिन हम लोग मान के चल रहे हैं, 307 प्रीवियस ईयर था बट इस साल बढ़ सकता है वो, तो 350 के अगर ऊपर मार्क्स है तो आपका निश्चित ही यहाँ पर मेन कैंपस आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका था BSc मैथ के लिए। अब देखते हैं BSc बायो। देखिए BSc मैथ हमने देख लिया है, अब हम देखेंगे BSc बायो को। सो ये है आपका BSc बायो का जो है प्रीवियस ईयर का मेन कैंपस के लिए। तो देखिए यहाँ पर BSc बायो में जो जनरल हैं उनके लिए 528 मार्क्स और उसके ऊपर था, EWS के लिए 434 और उसके ऊपर था, OBC के लिए 440 और उसके ऊपर था, SC के लिए 338 और उसके ऊपर था। तो इस केस में देखिए जब हम बायो की बात करेंगे तो अगर आप इस बार अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हैं तो अनरिजर्व्ड के लिए आपको 540 नंबर से ऊपर लाना होगा फॉर मेन कैंपस, 540 मार्क्स या फिर उसके ऊपर। ठीक, अगर आप जो है कि मान लीजिए कि आपका EWS आपने लगाया है तो EWS का मार्क्स देखिए 434 है, तो इस बार आपको कम से कम 450 तक जाना होगा, 450 मार्क्स और उसके ऊपर होगा तब आपका मेन कैंपस जो है एकदम सही है। OBC में हम जो है 440 है तो OBC में हम 460 का रेंज मान रहे हैं, क्योंकि OBC आपका EWS से 10-15 आगे पीछे नंबर है, आगे ही बढ़ा देते हैं ये लोग। तो अगर 450 EWS के लिए तो 460 आपका OBC के लिए हम मान लेंगे। SC की बात करें तो SC में 350 नंबर या फिर इससे ऊपर, लेकिन SC में ये मार्क्स कम भी हो सकते हैं, 350 से डाउन होने पर भी आपको मेन कैंपस मिलता है क्योंकि इसमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। तो 350 नंबर या 340 तक भी अगर आपका है तो मेन कैंपस मिलने के चांस हैं, बट अगर 350 स्कोर है या उसके ऊपर है तब आपका एकदम श्योर है कि आपको मेन कैंपस मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका था जो है कि BSc बायो का। अब हम BA LLB का जी, तो BSc बायो हमने देख लिया है, अब हम BSc मैथ भी हमने देख लिया है, BA का भी हो गया है, अब हम BA LLB का देख लेते हैं कि BA LLB का कितना होगा। तो ये है आपका BA LLB का जो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो यहाँ पर देखिए BA LLB में जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 556 मार्क्स और उसके ऊपर था, EWS के लिए 517 नंबर उसके ऊपर, SC के लिए 396 और उससे ऊपर है। तो अगर हम इस बार बात करें तो देखिए अगर आप जनरल में हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी जनरल में हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको 550 से ऊपर इस बार भी आपको लाना होगा, 550 मार्क्स से ऊपर। ये लास्ट का मैं आपको बता रही हूँ, स्टार्टिंग का नहीं बता रही हूँ, एकदम लास्ट का बता रही हूँ। जैसे कि जब आप काउंसलिंग देंगे तो जो लास्ट फेज ऑफ काउंसलिंग जो राउंड होगा उसका मैंने आपको सारा बताया, चाहे वो BA का हो, BSc BCOM, BSc बायो या फिर BA LLB का। क्लियर है? 550 नंबर से ऊपर अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है तब आपका BA LLB मेन कैंपस श्योर है। अगर EWS की बात करें, अगर हम EWS की बात करें तो 517 नंबर गया था, इस बार आप इसको 530 मान के चलिए, 530 या फिर उसके ऊपर मार्क्स है तब आपका श्योर है। अगर OBC की बात हम यहाँ पर करते हैं तो OBC में आप 540 और 550 ये मान सकते हैं, क्योंकि OBC का हमेशा उससे जो है बढ़ा देता है। तो 530 अगर हमने जो है जनरल आपके EWS के लिए माना है तो आप 550 या फिर उससे ऊपर मार्क्स अगर OBC कैटेगरी में आप हैं तब आप अपनी सीट को फिक्स्ड समझिए। इसके साथ SC की बात करें तो SC में 350 से ऊपर नंबर आपको चाहिए, इस बार SC का घटेगा थोड़ा, तो 350 नंबर से आपको यहाँ पर ऊपर चाहिए, प्लस चाहिए अगर आपको मेन कैंपस अपनी सीट जो है फिक्स करनी है। तो ये वो 5 सब्जेक्ट थे जिनके बारे में UG में बहुत सारे लर्नर्स को कंफ्यूजन था कि मैम कट ऑफ कितना जाएगा कितना नहीं, तो ये मैंने अपने तरीके से इसको बताने की कोशिश की है। ठीक, उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखने के बाद आपके जितने भी मार्क्स हैं उसके साथ देख लीजिए, और मैंने बता भी दिया कि प्रोबेबल 2023 का कट ऑफ कितना जाने वाला है। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी, जैसे ही आपके फाइनल कट ऑफ आएंगे वैसे ही आपको अपडेट मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इसको शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।